हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंपेयर करेंगे वीवो 29e प्रो और वन प्लस नॉर्ड सी ई3 लाइट। दोस्तों, अगर डिस्प्ले की बात किया जाए तो वीवो 29e प्रो में मिलता है एमोलेड डिस्प्ले और वन प्लस में मिलता है IPS LCD डिस्प्ले। वहीं दोनों की स्क्रीन साइज की बात किया जाए तो वीवो 29e में मिलता है 6.7 इंचेस का स्क्रीन डिस्प्ले, वही वन प्लस में मिलता है 6.72 इंचेस का स्क्रीन डिस्प्ले। और दोनों के ब्राइटनेस की बात किया जाए तो ब्राइटनेस मिलता है वे वीवो 29e में 1300 निट्स और वन प्लस में मिलता है 680 निट्स। दोनों के रिफ्रेश रेट की बात किया जाए तो वीवो 29e प्रो में मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और वन प्लस में मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। दोस्तों, अगर वीडियो कंटेंट वॉचिंग की बात किया जाए तो वीवो 29e प्रो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ओमोलेड डिस्प्ले मिलता है, इसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जो कि डिस्प्ले को और मजबूती प्रदान करता है। अगर इस दोनों में से एक किसी एक की बात किया जाए तो मैं वीवो 29e को। आइए दोस्तों जानते हैं कि उसका डिज़ाइन कैसा रहता है। डिज़ाइन की बात करें तो वीवो 29e प्रो में मिलता है 164.18 mm का हाइट और वन प्लस में मिलता है 165.5 mm का हाइट। और दोनों की वेट की बात किया जाए तो 188 ग्राम वीवो 29e प्रो में मिलता है और 195 ग्राम वन प्लस में मिलता है। वही दोनों के बिल्ड मटेरियल की बात किया जाए तो मिनरल वुल ब्लैक वीवो 29e प्रो का बैक साइड में मिलता है, वही प्लास्टिक का बना हुआ वन प्लस में बैक मिल जाता है। दोनों के कलर की बात किया जाए तो वीवो 29e प्रो में मिलता है हमें हिमालयन ब्लू और स्पेस ब्लैक, ये दो कलर मिल जाते हैं। और वन प्लस में बात किया जाए तो पास्टल लाइम और क्रोमेटिक ग्रे, ये दो कलर हमें वन प्लस में मिल जाता है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों के कैमरा परफॉर्मेंस की। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है वीवो 29e प्रो में और ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है वन प्लस में। अगर कैमरा सेटअप की बात किया जाए तो दोनों में कैमरा सेटअप सेम है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिल जाता है वन प्लस में। वाइड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल जाता है वन प्लस में और 12 मेगापिक्सल का अदर कैमरा मिल जाता है वीवो 29e प्रो में। वही 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा मिल जाता है वन प्लस में। अगर दोनों की वो कैमरा परफॉर्मेंस में देखा जाए तो क्वालिटी देखा जाए तो OIS कैमरा मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और वन प्लस में कोई OIS कैमरा नहीं मिलता है। अगर दोनों की वीडियो क्वालिटी की बात किया जाए तो 2060 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता है वीवो 29e प्रो और वही वन प्लस की बात किया जाए तो 1080 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग कर देता है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों के फ्रंट कैमरे की। सिंगल कैमरा सेटअप मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और सिंगल कैमरा सेटअप भी मिल जाता है वन प्लस में। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है वन प्लस में। ऑटो फोकस मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और ऑटो फोकस नहीं मिलता है वन प्लस में। 2160 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग मिलता है वन प्लस वीवो 29e प्रो में और वन प्लस में मिलता है 1080 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग। आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों की बैटरी की। 4600 mAh की बैटरी मिल जाते हैं वीवो 29e प्रो में और 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है वन प्लस में। 80 वाट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम मिल जाता है वन प्लस में। बैटरी की बात करें तो वन प्लस ही सही रहेगा, क्योंकि उसमें वन प्लस में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जो कि एक बैटरी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आइए दोस्तों बात करते हैं दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड्रॉयड V13 का एडवांस वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है वीवो 29e प्रो में और वन प्लस में भी एंड्रॉयड V39 का एडवांस वर्जन ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। दोनों के कस्टम UI की बात करें तो फन टच OS का UI देखने को मिलता है एंड्रॉयड वीवो 29e प्रो में और ऑक्सीजन OS का UI देखने को मिलता है वन प्लस में। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।